नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर जिला प्रमुख चुनाव के बाद अब सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लिया है, तब जाकर के जीत हासिल हुई है, सीएम गहलोत का कहना है। तो वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने सरकार गिराने का भी पूरा प्रयास किया था। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव पर अब सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आपको बता रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेकर के सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि पहले भी इस तरीके का प्रयास किया जा चुका है बीजेपी द्वारा, जहाँ पर जयपुर जिला प्रमुख चुनाव पर अब इस बयान को लेकर के सियासत तेज हो गई है। चारों तरफ इस बयान को लेकर के बातें हो रही हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेकर सरकार गिराने की कोशिश की है और ऐसा पहले कई बार किया जा चुका है बीजेपी द्वारा, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। हमेशा से ही कांग्रेस काम करती आई है, काम करती रहेगी, और इसका परिणाम इस बार जिला प्रमुख के चुनाव में दिख गया है। बड़ी खबर लगातार बनी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत का ये बयान सामने आया है। जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव के बाद अब क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लिया है जीतने के लिए, और सरकार कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास पहले भी बीजेपी कर चुकी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई है। जनता सब जानती है किसके हित में वोट डालने हैं, कौन जनता के हित में है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया है। बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं आपको, जहां पर जयपुर जिला प्रमुख चुनाव के बाद अब सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। तो वहीं जयपुर से ही एक और खबर, जहां पर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रिश्वत लेते हुए दो अभियंताओं को ट्रैप किया गया है। 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। बिल भुगतान की एवज में दोनों ने यह रिश्वत मांगी थी। कार से 3.5 लाख रुपए भी एसीबी ने बरामद कर लिए हैं। तो वहीं समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत हैं दोनों अभियंता। एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर रिश्वत लेते हुए दो अभियंता को ट्रैप कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, कार से 3.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं एसीबी ने। रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है, 45,000 की रिश्वत ले रहे थे वो। ऐसे में बिल भुगतान की एवज में दोनों ने ये रिश्वत मांगी थी 45,000 रुपए की, जिस पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब दोनों अभियंताओं को ट्रैप किया है। और इसके साथ ही कार से 3.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं एसीबी ने। तस्वीरें जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसीबी का शिकंजा कसा है दो अभियंताओं पर। और ऐसे में एसीबी लगातार इसी कड़ी में कार्यरत रही है, अलर्ट है एसीबी जयपुर में बीते एक महीने से, और ये बड़ी कार्रवाई की गई है एसीबी द्वारा।